अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। एज यू ऑल नो दैट आज की जो वीडियो है वो है काली गर्दन या जो गर्दन पे टैग्स हो जाते हैं ना, उसको रिमूव कैसे करें और काली गर्दन को साफ कैसे करें, क्योंकि इस बारे में मुझे इतनी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। तो मैंने ना वहाँ पे क्रीम बताई थी कि आप ये इस तरीके से यूज़ करें, क्योंकि मुझे वो क्रीम ना स्किन स्पेशलिस्ट ने सजेस्ट की थी। वो मैंने उन लोगों को आगे सजेस्ट की, उन लोगों ने यूज़ किया, उसके बाद अपने रिव्यूज़ शेयर किए, वो मैंने रिव्यू उठा के इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दिया। उसके बाद मुझे इतने ज़्यादा इनबॉक्स आए इस चीज़ से रिलेटेड, उन लोगों को वो क्रीम समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मार्केट में वो क्रीम जो ना 3-4 किस्म की आती है। तो आज की वीडियो उस चीज़ से रिलेटेड है, आपको मज़ीद टाइम ज़्यादा के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की। तो जो क्रीम मैंने सजेस्ट की थी वो मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी यहाँ पर, जिस जिसने यूज़ किया और रिव्यू दिया, वो ये क्रीम थी, हाइड्रोकार्टोजोन इसका नाम है। और इसके अंदर जो हाइड्रोकार्टोजोन की क्वांटिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है, ठीक है। और ये क्रीम जो है वो बहुत ही रीजनेबल है। ये देखें इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन है, एक्सपायरी मेड मेंशन सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। 25 रुपए की ये क्रीम आती है, ऑरेंज कलर में आती है, और इसके अंदर हाइड्रोकार्टोजोन की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 1% हो। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोकार्टोजोन 1%, और ये 5 ग्राम की ट्यूब होती है। ये इसकी ट्यूब है, क्योंकि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ इसलिए अभी इस तरह की इसकी हालत हुई हुई है। जब ये ना इस तरह की होती है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, इस तरह की होती है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें मैं आपको एक साइड पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको ना आपको अच्छे से ना इसे आपको एब्जॉर्ब करना पड़ता है अफेक्टेड एरिया पे, लेकिन ये कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती। मैं अपने वेजलिन के अंदर इसको मिक्स करना होता है इक्वल अमाउंट में, मतलब अगर आपने इतनी सी क्वांटिटी इसकी ली है ना, इतनी सी क्वांटिटी, बिल्कुल इतनी सी ये यूज, इससे भी कम यूज़ होती है अगर आपने गर्दन पे लगानी है तो, इतनी क्वांटिटी आपने ली है तो इतनी ही क्वांटिटी में आपने वेजलिन पेट्रोलियम जेली ले, और इसको आपने इसके साथ मिक्स करना है। जितने अमाउंट में आपने क्रीम लेनी है ना, उतने ही अमाउंट में आपने लेनी है वेजलिन, और इन दोनों को आपने करना है मिक्स, और इसके बाद आपने अप्लाई करना है इसको अपनी गर्दन पे। ये देखें दोनों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से, और फिर ये आपने गर्दन पे अप्लाई करना है अपने, जहाँ जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ हो ना वहाँ पे, रात को दिन को जब मर्जी अप्लाई करें, धूप में भी लगा के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको गर्दन में अप्लाई करके अच्छे से गर्दन के अंदर पेनिट्रेट कर दें। इसकी कोई स्मेल वगैरह भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, और आप इसको प्रॉपर यूज़ करें, आपको 10 दिन से पहले ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और जिन्होंने जिन्होंने यूज़ किया था और उनके जो रिजल्ट मिले थे वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किए थे, वो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो और रही बात इसको लगाने की कि आप इसको कब लगा सकते हैं, तो आप इसको दिन में 3-4-5 जितनी दफ़ा आपको याद आता है ना चलते फिरते आप लगा लिया करें। क्योंकि जब मुझे स्किन इन्फेक्शन हुआ था ना, तो मुझे डॉक्टर ने यही कहा था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको जितना दफा मर्जी लगाएं, इसको मिक्स करके नहीं रख सकते, आपने जिस टाइम यूज करना होगा आपने उसी टाइम इसको मिक्स करना होगा। तो स्पेशली ये जो क्रीम है ना, हाइड्रोकार्टोजोन 1% जो है वो यूज होती है हर तरह के स्किन इन्फेक्शन के लिए। तो जो गर्दन पे ब्लैक ब्लैक से निशान बन जाते हैं, स्पेशली गर्दन की बैक साइड पे मैंने देखा है बहुत ज्यादा लड़कियों को ना अजीब से काला सा अजीब सा निशान बन जाता है, इवन उस पर लाइन्स भी बनी होती हैं, और वो इतना ढीट होता है कि वो किसी चीज़ से नहीं जाता, तो वो इससे चला जाता है। क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था जिसको गर्दन पे ये बना हुआ था, और मुझे जो ये रिकमेंड की थी, ये मुझे रिकमेंड की थी डॉक्टर तमीज़ुद्दीन, हमारे यहाँ के स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने उनको चेकअप करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये स्किन इन्फेक्शन है, कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो इस तरह का हो, या स्किन पे दाग बन रहे हो, या आपकी गर्दन पे निशान बन रहे हो, या डिस्कलरेशन हो रही हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक, इवन वो जो ड्राई ड्राई सी स्किन हो जाती है ना, जगह जगह पे खाल नजर आती है ड्राई, तो उस तरह की चीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक क्रीम आती है हाइड्रोकार्टोजोन 1%, और सिर्फ यही यूज़ होती है, और इसके अलावा और कोई क्रीम इसकी नहीं आती, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये वो क्रीम थी और ये इसको लगाने का प्रोसीजर था। जो जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे काफ़ी मेरा फेस फेयर है लेकिन गर्दन बहुत काली हुई है और किसी चीज़ से साफ नहीं हो रही, तो वो लोग ये यूज़ करें, और उसके बाद अपने रिव्यूज़ मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर मेरी बताई हुई किसी चीज़ से आपको बेनिफिट मिलता है तो अपने रिव्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें, और वो वीडियो भी शेयर कर दिया करें। तो ये वो क्रीम थी, आई होप कि आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी होगी, जो मुझे तस्वीरें भेज थे कि आप ये क्रीम है या ये क्रीम है, ये क्रीम थी, ये इसको लगाने का प्रोसीजर था, और ये इसके रिजल्ट्स थे जो मैंने स्क्रीनशॉट चला दिया है। आप लोग अब यूज करें और अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी बहुत ज्यादा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके आपको मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स फौरन से मिला करेगी, और आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप यूज किया तो आपको क्या बेनिफिट मिला, या अगर कोई साइड इफेक्ट भी हुआ तो क्या हुआ, वो सब कुछ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।